हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में, ठीक है। वैसे हमने पैनक्रियास के बेसिक चीज़ें पिछले वाले वीडियो में हमने कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक ओवरव्यू, एक बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है पैनक्रियाज एंड पैनक्रिया के हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आप जाकर देखिए। चलो, तो आज हम करेंगे पैनक्रियास को और अच्छे से स्टडी, ठीक है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था जो आपके पैनक्रियास है इनमें आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होंगे, राइट। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपके फोर टाइप्स के सेल्स होते हैं, राइट। एक को हम बोलते हैं अल्फा सेल्स, राइट, अल्फा सेल्स। दूसरे वाले सेल्स होंगे आपके बीटा सेल्स एंड योर डेल्टा सेल्स एंड योर एफ सेल्स, राइट। एफ सेल्स आपके अल्फा सेल्स सिक्रेट करेंगे ग्लूकागॉन को, आपके बीटा सेल्स सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को, आपके डेल्टा सेल्स सिक्रेट करते हैं सोमाटो स्टैटिन को, एंड आपके एफ सेल सिक्रीट करते हैं पैन क्रियाटिक पोली पेप टाइड, ठीक है। देखिए, ग्लूकागॉन का फंक्शन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देना है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। इंसुलिन का फंक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ इट, ओके, ब्लड शुगर लेवल को डाउन डाउन लेवल कर देना, ठीक है। उसके बाद सोमाटोस्टैटिन तो क्या है, ये तो एक इनहिबिटर है, राइट, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सेम एज योर ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर फैक्टर, जो कि आपके हाइपोथैलेमस भी सिक्रीट कर रहे थे, राइट। स्पेशली ये आपके 14 सोमाटोस्टैटिन होते हैं, क्यों 14, बिकॉज 14 एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं ना आपके जो सोमाटोस्टैटिन, ओके। देखिए, अब सोमाटोस्टैटिन का फंक्शन क्या है, सोमाटोस्टैटिन सिंपली आपके ना ए सेल्स से ग्लूकागॉन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, एंड इन अ सेम वे बी सेल्स को भी जाकर इनहिबिट कर देता है जो आपके इंसुलिन को सेक्रेट कर रहा था, ठीक है। तो आपके सोमाटोस्टैटिन ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये क्या करता है, ये जाकर ना डेल्टा सेल पर जाकर सोमाटोस्टैटिन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेगुलेटेड है एक दूसरे से, चलिए। एंड इसके अलावा आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो आपके गैल ब्लैडर है, जो आपके गैल ब्लैडर है इसके कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्शन में, एंड आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, राइट, पैनक्रियाटिक जूसेस कि ये क्या है, सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो इनके एंजाइम इनके सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो आई होप आप लोग को ये सभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इनके सारे फंक्शंस। चलो, अब हम ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन के बारे में थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो आपके जो ए सेल्स है जो आपके ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, राइट, ये कितने परसेंट होंगे, ये 17% होंगे, ठीक है। और जो आपके सबसे ज़्यादा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन से सेल्स होते हैं, आपके बीटा सेल्स, ठीक है ना, जो आपके इंसुलिन सिक्रेट करता है। देखिए, इंसुलिन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए। एंड योर डेल्टा सेल्स, ओके, तो डेल्टा सेल्स आपके 7% होंगे, एंड योर एफ सेल्स आपके 5-6, ओके, रिमेनिंग जितने भी आपके एफ सेल्स, बहुत ही कम, ओके। एंड हमें ये पता है कि जो आपके ए सेल्स, ये सिक्रेट करता है आपके ये सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन को, गॉन, राइट। बीटा सेल्स सिक्रेट करता है आपके इंसुलिन को, एंड जो आपके डी सेल्स सिक्रेट करते हैं सोमाटोस्टैटिन को,
एंड योर एफ सेल सिक्रीट्स योर पीपी, मतलब पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। देखिए आपके जो इंसुलिन है, जब ये बी सेल्स बनाते ना, जब ये आपके बीटा सेल्स बनाते, ये इनमें कितने, इनमें कितने अमीनो एसिड होंगे आपके, 110 अमीनो एसिड, ठीक है, जो आपके इंसुलिन एंड योर जो आपके ग्लूकागोन है, इनमें 29 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, मतलब ग्लूकागोन 29 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपके सोमाटोसाइटिन, ये तो आपको पता ही है, राइट, 14, हमें ये भी पता है कि सोमाटोसाइटिन 14 भी होते हैं और सोमाटोसाइटिन 28 भी होते हैं, बट सोमाटोसाइटिन 28 आपके कहाँ पर होंगे, आपके इंटेस्टाइन में होंगे, राइट, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिए। एंड योर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये आपके होंगे 36 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, तो ग्लूकागोन 29, इंसुलिन जब पहले बनते हैं, इंसुलिन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, पर अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि इंसुलिन जब पहले बनते हैं ना, जो बीटा सेल्स बनाएंगे, तब इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, 110 अमीनो एसिड, उसके बाद सोमाटोसाइटिन में 14, राइट, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड में 36। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चलो चलते आगे। ओके, देखिए यहाँ पर इंसुलिन जब पहले बनते ना, जो आपके बीटा सेल्स बनाएंगे, तब इंसुलिन के पास कितने अमीनो एसिड होंगे, 110 अमीनो एसिड, राइट, अमीनो एसिड। अब देखिए 110 अमीनो एसिड वाले इंसुलिन, इट इज़ ऑफ नो यूज, ओके, ये फंक्शनल नहीं होता, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर तीन कलर में आपकी ये चेन को बनाया, पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो आप ग्रीन है इसको हम बोलते हैं ए पेप्टाइड, ठीक है, एक चेन है पॉलीपेप्टाइड, एंड आपके जो ब्लू में बनाया इसको मैंने बोल दिया बी, एंड जो आपके येलो में है दिस इज़ योर सी, ओके, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, सिग्नल सीक्वेंस भी है, सिग्नल सीक्वेंस, या तो हम बोले सिग्नल पेप्टाइड, ओके, तो जब आपके जो आपके मतलब 110 अमीनो एसिड इंसुलिन से आपके सिग्नल सीक्वेंस को निकाल देंगे, ठीक है, देखिए अब इस फॉर्म को ना हम, जो आपके ये जो इंसुलिन है, इस फॉर्म को हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होंगे, 110 अमीनो एसिड होंगे, जिसमें ए पेप्टाइड भी होंगे, सी पेप्टाइड भी होंगे, बी पेप्टाइड भी होंगे एंड और तो और आपके सिग्नल पेप्टाइड भी होंगे, ठीक है, तो इस वाले फॉर्म को हम प्री प्रो इंसुलिन बोलते हैं। उसके बाद अगर हमने ना ये सिग्नल सिक्वेंस को रिमूव कर लिया तो बचता है खाली ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन एंड सी पेप्टाइड चेन। अब इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है, प्रो इंसुलिन। जब प्री प्रो इंसुलिन से सिग्नल सीक्वेंस को हटा दिया जाता है तब हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब प्रो इंसुलिन, क्योंकि देखिए सी जो पेप्टाइड चेन है, इट इज ऑफ नो यूज, ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है, जब इसको भी प्रोटीलाइटिक क्लीवेज के द्वारा इसको भी हटा दिया जाता है तो बचता है खाली आपके ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, ये ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, ठीक है, पर ये दोनों पेप्टाइड चेन आपस में किस तरीके से बंधे हुए होते, बाइंड होते, आपके डाई सल्फाइड बॉन्ड। अगर आपने मेरे सेल बायो के लेक्चर्स को लगवाया है एंड वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करवाया था ईआर, राइट, तो ईआर को अगर, मतलब उस वाले टॉपिक को अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके डाइसल्फाइड बोन कहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, एंड क्यों फॉर्म होता है, ठीक है, तो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो जैसे अब आपके प्रो इंसुलिन से नॉन फंक्शनल पेप्टाइड चेन, दैट इज़ योर सी चेन, इसको हटा दिया जाता है तो आपके जो इंसुलिन बनता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन,
इंसुलिन, खाली इंसुलिन, और ये है फंक्शनल। ओके, फंक्शनल, फंक्शनल इंसुलिन, ठीक है। एंड जो आपकी ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, इसमें कितने अमीनो एसिड लगे होंगे, ये 21 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए थे, और जो आपके बी चेन है इनमें होते हैं 30 अमीनो एसिड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंसुलिन को हम प्री प्रो इंसुलिन एंड प्रो इंसुलिन क्यों बोलते हैं, एंड ये नॉन फंक्शनल इंसुलिन फंक्शनल इंसुलिन कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए आपके ना ग्लूकागोन एंड इंसुलिन किस तरीके से काम करता है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले एक दो टर्म्स आपको ना अच्छी तरीके से पता होना होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपके ग्लाइकोजेनेसिस, यहाँ पर मैंने दिखाया ना ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। देखिए एनिमल्स में आपके ग्लूकोज कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज योर ग्लाइकोजन, राइट, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बोले तो ग्लूकोज, बट बहुत ही ज़्यादा, राइट। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ग्लाइकोजन को बनाना, जेनेसिस। देखिए यहाँ पर जेनेसिस, जहाँ पर भी जेनेसिस वर्ड आए तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन बन रहा है। उसी प्रकार से अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखें तो ग्लूको, ग्लूको मतलब ग्लूकोस, ग्लूकोस, राइट, ग्लूकोस, ग्लूकोस के बनना, ठीक है। बट यहाँ पर एक नियो वर्ड है ना, नियो वर्ड, न्यू वर्ड का मतलब है नए सोर्स से, ठीक है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज क्या, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, राइट। अब ग्लूकोज आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से बनना, जैसे फैटी एसिड, मतलब कोई दूसरे सोर्स से, पर हाइड्रो पर मतलब दूसरे सोर्स से, पर कार्बोहाइड्रेट से नहीं, ठीक है। तो आपके ग्लूकोज बनना, ये भी क्या, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, पर ऐसे सबस्ट्रेट से जो आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना पर नए मटेरियल से, मतलब नए सबस्ट्रेट से, ओके। एंड देखिए यहाँ पर लाइपोजेनेसिस मतलब लिपिड, लिपिड, लिपिड के बनना, ठीक है ना, लिपिड जब बने, लिपिड, लिपिड का बनना, ठीक है ना, लिपिड, लिपिड का बनना, फॉर्मेशन, ओके। यहाँ पर देख सकते हो आप जेनेसिस, जेनेसिस वर्ड है, जेनेसिस का मतलब बनना। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए लाइसिस वर्ड है, लाइसिस का मतलब बिगड़ना, बनना नहीं पर ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन, ठीक है, ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, एंड लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड की ब्रेक डाउन, लिख दो मैं, लिपिड, ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ब्रेक डाउन एंड ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, ओके, ब्रेक डाउन, ओके। एंड इसके अलावा दो और टर्म है यहाँ पर, इसको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ये वो कंडीशन को दर्शाता है जहाँ पर ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया। एंड इन द सेम वे हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की लेवल बहुत ही कम है, इस कंडीशन को दर्शाता है, ठीक है, ये दो वर्ड। तो अगले वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम ना इंसुलिन एंड ग्लूकागोन किस तरीके से फंक्शन करता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून।